दोस्तों, ये मेरे पास सोनी का HD IV 300 होम थिएटर का सब वूफर है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा जम गया है, तो इसे आज हम साफ़ करेंगे। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें आगे पीछे कहीं भी स्क्रू नहीं है खोलने के लिए। तो उसको खोलने का आपको तरीका बताऊंगा मैं, कैसे खोलना है, और डस्ट भी साफ़ करके दिखाएंगे। जैसे ही हम इस सबवूफर को नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ पे दो आपको देखना थोड़ा गैप दिखाई देगा, शायद दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। इसको मैंने पहले भी साफ़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। इन दो गैप के थ्रू हम इस सबवूफर को खोलेंगे। ये देखिए, आप ये गैप दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसमें जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर डालता हूँ, देखिए जैसे स्क्रू ड्राइवर डाला तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हो गया। उसके बाद इस तरफ भी स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, लेफ्ट साइड में भी, दूसरी तरफ भी स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, तो थोड़ा देखिए आप जैसे गैप बन जाता है, तो थोड़ा गैप बन जाएगा। अब देखिए, ये आप नीचे की तरफ गैप दिखाई दे रहा है। अब इसे मेरे पास एक टूल है, ये एक्चुअली ओपनर टाइप का है, या फिर आपके पास कुछ भी प्लास्टिक का हो, स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे पूरे बाकी सब वूफर को तो निशान पड़ सकता है। जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम का टूल है, इससे खोलना काफ़ी आसान हो जाता है और निशान भी नहीं पड़ता। ये देखिए कितना आराम से खुल रहा है ये, क्योंकि इस सब वूफर में कहीं भी स्क्रू नहीं होते, तो ये आराम से खुल जाएगा। चारों तरफ से हम उसको घुमाएंगे तो आराम से खुल जाएगा। देखिए, आप खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा धूल जमी हुई है इसके अंदर, और इसके कवर में भी काफी ज्यादा धूल जमी हुई है। इसे आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश से या कोई कपड़ा हो तो कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, ठीक है आप इसको। लेकिन सॉफ्टली, आराम से साफ करना है, क्योंकि इसके जो सब वूफर है इसमें कहीं छेद वेद ना हो जाए। इस वूफर का जो सराउंड है ये रबड़ का है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। सोनी सही में कंपनी है, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दे रखी है इस कंपनी ने। बाकी मैंने किसी भी सबवूफर में रबर का सराउंड नहीं देखा है, इसकी वजह से इसको क्लीन करना काफ़ी आसान हो गया है। देखिए, मैं कवर को साफ कर रहा हूँ इसके। कवर को साफ करने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना कचरा इसमें जमा हुआ है। इसको हर 3-4 महीने में या साल में एक बार साफ करना चाहिए। चलिए, हो गया, सफाई हो गई इसकी। अब इसको लगाते हैं वापस। लगाना भी काफ़ी आसान है, जस्ट जो जिस तरह से हमने इसको ओपन किया था वैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि स्क्रू है नहीं इसके अंदर, तो आराम से इसको थोड़ा हम लोग पुश करेंगे तो आराम से लग जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने सब वूफर को साफ कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।